बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल थ्री हम कर रहे थे और एग्जाम्पल थ्री का हमने पॉइंट नंबर वन कर लिया था कि सिंगल ओएआर पर मशीन आवर, फिर उस सिंगल ओएआर पर मशीन आवर को हमने ओएआर पर यूनिट में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो सिंगल ओएआर कैसे कैलकुलेट किया था, जितने भी टोटल ओवरहेड्स हैं उनको ऐड कर लो और जितने भी टोटल मशीन आवर हैं, टोटल मशीन आवर हर एक प्रोडक्ट के, उनको टोटल करके डिवाइड करो। तो ये जो ₹100 पर मशीन आवर आया, ये तो एक कॉमन ओएआर आया। ये कॉमन ओएआर आया किनका, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। तो फिर हमने इस ₹100 पर मशीन आवर को कन्वर्ट किया था रुपीज पर यूनिट में। तो ये रुपीज पर मशीन आवर को हमने कन्वर्ट किया कन्वर्जन रेट से मशीन आवर पर यूनिट से, ठीक है। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करवाया तो वहां पर ₹50 पर यूनिट आ गया प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट बी का ₹40 पर यूनिट आ गया, ठीक है। ये हमने सिंगल ओएआर से क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आफ्टर एलोकेटिंग ऑल दी ओवरहेड बिटवीन बोथ प्रोडक्ट। हम दोनों प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सारे सारे एक्सपेंसेस एलोकेट कर देंगे और वहां से डायरेक्ट जो रेट आएगा, अब वो मशीन आवर की बेस पर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट पर यूनिट पर डायरेक्ट निकलेगा वो, सही है। तो याद रखना सिंगल ओएआर दो स्टेप में आएगा, पहले सिंगल ओएआर पर मशीन आवर पर लेबर आवर अपनी बेस के ऊपर आएगा, फिर उसको अपनी बेस के ऊपर किसी कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रुपीस पर यूनिट पे फाइंड करेंगे। और अब जो हम पार्ट टू करने वाले हैं, एलोकेशन करके अपोर्शनमेंट करके, वहां से जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो ओएआर पर यूनिट में डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकलेगा, सही है। चलो जी, अब करते हैं अपोर्शनमेंट। कॉमन एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस 80,000 से लेकर पावर एक्सपेंस 1,60,000 तक, ये कॉमन एक्सपेंसेस है। और इनको इन सूटेबल बेसिस के ऊपर हमने क्या करना है, बांटना है। देन बच्चों चलो जी बांटते हैं जरा, चलो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, सारे एलोकेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर टू सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर टू में हमारे पास सबसे पहले एलोकेशन आ जाएगी, एलोकेशन के बाद सूटेबल कोई बेस आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, और फिर हम टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, ए और बी की बेस के ऊपर क्या कर देंगे, बांट देंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस कौन सा आया, सबसे पहले हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80,000। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम क्या करेंगे, बांटने वाले। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना था, 80,000 था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 80,000। सूटेबल बेस मिल सकती है यहाँ से, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सूटेबल बेस क्या है, यहाँ से ढूंढे जरा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जी, फ्लोर स्पेस, क्या फ्लोर स्पेस। तो फ्लोर स्पेस में हमारे पास कितना है, 2,000 और 5,000, तो इनका जरा टोटल करें कितना बनता है, 7,000 टोटल है। तो ए को कितना ऐसे मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 7, 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 80,000, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा फ्लोर स्पेस, ये हमारे पास बन जाएगी सूटेबल बेस। तो ठीक है, सूटेबल बेस के ऊपर हमने लिख दिया फ्लोर स्पेस। तो बताएं ए का हिस्सा कितना बनता है, 228 57, 228 57, और बी का हिस्सा 57143। चलें जी, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हमने क्या कर दिया, अपोर्शनमेंट कर दी। सेकंड कॉमन एक्सपेंस देखें क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाउ मच, 20,000। तो आ जाए जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और यहाँ पे टोटल में वहां पर कितना आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है। ये वहां पे 20,000 आ जाएगा, कोई समझ आ रही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन को देखना है, सूटेबल बेस उठाएं डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन होती है, कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एसेट होती है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट है कि हमारे पास बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारे पास जी बच्चों, सारी एनपीवी कॉस्ट ऑफ एसेट ही है, लेकिन कैरिंग अमाउंट की शक्ल में, तो कोई मसला नहीं, यूज कर लेंगे इसको। कितना, 4 लाख और 4 लाख, टोटल कितना बना, 8 लाख। तो रेशियो क्या बन गई, 4 बाय 8, 4 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, 20,000। तो 4 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो यहां पे हमने नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ये हमने सूटेबल बेस उठा ली, ठीक है। चलो जी, ये सूटेबल बेस आ गई, और एक आंसर बताएं, 10,000, 10,000, 10,000। तो 10,000 ए का आ गया, और 10,000 ये बी का आ गया, कोई परेशानी। थर्ड
कॉमन एक्सपेंस ढूंढे कौन सा है? इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस हाउ मच? 60,000। तो इनडायरेक्ट वेजेस हमारे पास आ गई और यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000, 60,000। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, इनडायरेक्ट वेजेस की बेस देखते हैं कौन से सूटेबल बेस बनने वाली है। नंबर ऑफ वर्कर, सर नंबर ऑफ वर्कर 200, 250, टोटल कितने बन गए? 450। तो रेशियो क्या बन गई? 200 डिवाइडेड बाय 450। संभाल लोगे? चलो आ जाओ जरा। नंबर ऑफ वर्कर्स को पूछने, और टोटल अमाउंट कितनी है? 60,000। अच्छा जी, चले एक आंसर बताएं। 2,666,7 बी का। चार पांच पेंटा थ्री आ गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तीन कॉमन एक्सपेंस को हमने निपटा दिया, फिर क्या है? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट 30,000 है। चलो जी आ जाओ जी, फिर आ गया हमारे पास हीट एंड लाइट। सर बेस उठाएं इसकी जरा, सूटेबल बेस उठाएं हीट एंड लाइट की। जी हाँ, फ्लोर स्पेस, इसके लिए भी क्या सूटेबल बेस है? फ्लोर स्पेस, क्योंकि हीटिंग एंड लाइटिंग पूरी बिल्डिंग ही होगी। ठीक है, तो फ्लोर स्पेस हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो बांटो जरा फ्लोर स्पेस की बेस के ऊपर। अमाउंट कितनी थी हमारे पास? 30,000। तो 30,000 को बांटें ए और बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस, एंड द आंसर इज 8,571,21,429। ये हीट एंड लाइटें हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। पावर एक्सपेंस आ गया, पार एक्सपेंस 1,60,000 है। चलो जी पार एक्सपेंस को बांटते हैं, तो पार एक्सपेंस आ गया हमारे पास 1,60,000 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 160,000। और इसकी सूटेबल बेस ढूंढनी है हमने, आ जाए जरा सूटेबल बेस ढूंढने पार एक्सपेंसेस की। जी किस बेस के ऊपर? पार एक्सपेंसेस किलोवाट आवर तो नहीं है, किलोवाट आवर तो नहीं है, हॉर्स पावर आवर भी नहीं है, तो फिर किसको लेंगे? मशीन आवर्स को ले लेंगे। ठीक है जी। जी प्रोडक्शन प्रोडक्शन आवर कहाँ पे है यार? प्रोडक्शन यूनिट्स? नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लेंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स तो रीजनेबल बेस नहीं है, ये तो ओएआर की अपनी 6 बेसिस में से एक बेस है। सही है, क्लियर? देखो जो बिजली चली, आप यूनिट प्रोडक्शन यूनिट ले सकते हो, मुझे एतराज नहीं है, अगर मैं यहां पे मशीन आवर गायब कर दूं तो फिर ले सकते हो। मशीन आवर की मौजूदगी में प्रोडक्शन यूनिट को सिलेक्ट करना सूटेबल नहीं है। इसकी रीजन रीजन क्या? ये देखो रीजन क्या, सर मशीनें चलती रही, बिजली खर्च होती रही, हो सकता है प्रोडक्शन ना हो रही हो सकता है प्रोडक्शन ना हो रही हो, क्या ख्याल है? सम टाइम तो प्रोडक्शन करने के लिए मशीन को आधा घंटा शुरू में रनिंग में चलाना पड़ता है यार, मशीन रनिंग में आ जाए जरा, क्योंकि जब मशीन फ्लो में आएगी तब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो आधा घंटा मशीन चली है उसने बिजली नहीं खर्ची होगी, सही है ना? तो बताओ बिजली के बिल को यूनिट प्रोडक्शन पर बांटना ज्यादा अकलमंदी है या मशीन कितने घंटे चली उसके ऊपर बांटना ज्यादा अकलमंदी है? सर ज्यादा सूटेबल मशीन आवर है, और अगर ये मशीन आवर गिवन ना करूं तो फिर ले सकते मजबूरी के तहत में प्रोडक्शन यूनिट भी, भाई जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी मशीन चली होगी। और समझ आई? क्या समझ आई? कि हमें सर ये समझ आई कि हमें कुछ भी समझ ना आई, और ये हमें सबसे अच्छी समझ आई। क्या ख्याल है? तो पावर एक्सपेंसेस का सर किस बेस के ऊपर बांटने वाले हैं? टोटल बजटेड मशीन आवर। ठीक है, अच्छा जी टोटल बजटेड मशीन आवर क्या है? 1500 ए के और 2000 बी के और 3500 टोटल। तो 1500 डिवाइड बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000, 68। ठहरे यार मैं लिख लेता हूँ, 6,851। और सात वाला 9,142,9। सर सारे सारे खर्चे डन, रह तो नहीं गया? जी पक्की बात है कोई नहीं रह गया। चलो जी अगर कोई नहीं रह गया तो ठीक है, मुबारक। टोटल मारें सारे का, टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। पहला वाला ये 5,714,3 है। अच्छा खैर है यार, 2 रुपये का फर्क है, क्या फर्क पड़ता है यार। चलो करें ए का टोटल करें बी का टोटल करें।
ए का टोटल करें और बी का टोटल करें और फिर मुझे बताएं। यहां से आपका टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। बी का है 21 3 4 जी, 1 यहां तो कोई प्रॉब्लम सर, ये जो 1 3 6 6 6 आए और 21 3 4 आए, इन दोनों का नाम क्या है? टोटल ओवरहेड्स हैं। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें, हमें क्या चाहिए सर? रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? आफ्टर एलोकेटिंग ऑल ओवरहेड बिटवीन बोथ प्रोडक्ट, कैलकुलेट ओ ए आर पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट का क्या करना है? ओ ए आर पर यूनिट कैलकुलेट करना है। सर टोटल ओवरहेड आ गया। अगर इस टोटल ओवरहेड को मैं डिवाइड कर दूं किससे? यूनिट प्रोड्यूस से, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट से। और समझ आ रही है? तो सर अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो आंसर का नाम क्या आएगा? ओ ए आर पर यूनिट। सर कोई मसला नहीं है, मारें डिवाइड इसको प्रोडक्शन यूनिट से। ऊपर से चोरी कर लेते हैं, प्रोडक्शन यूनिट कितने थे? ए के। ए के प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं? ये प्रोडक्शन यूनिट ए के 3000, और बी के कितने बनाए? 5000। सर गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। डिवाइडेड बाय 3000 और ये डिवाइडेड बाय 5000, और ये सर हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 45.55 रुपीज पर यूनिट। और दूसरे वाले भाई साहब का 42.67 पर यूनिट। सर ये हमारा बी का सेकंड रिक्वायरमेंट का, ये हमारे पास प्रोडक्ट वाइज, ये ए का ओ आर पर यूनिट आ गया और ये बी का ओ आर पर यूनिट आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी डन। अच्छा जी, इसका मतलब आपको केस टू का सिंगल ओआर कैलकुलेट करना आ गया, और अगर हम सारे एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट में अपोर्शन कर दें और वहां से ओआर कैलकुलेट करना आ गया। अच्छा ये जो अभी हमने काम किया, ये तो वैसे नहीं, से हम प्राइमरी पोर्शनमेंट करते थे, तो ये ऐसे ही ऐसे प्राइमरी पोर्शनमेंट करना। लेकिन पहले हम प्राइमरी पोर्शनमेंट क्या करते थे? डिपार्टमेंट वाइज। सर क्या करना, ये मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब मैं डिपार्टमेंट वाइज आऊंगा तो कभी भी डायरेक्ट आंसर पर यूनिट में नहीं आएगा। ये अपने दिमागों को समझा लो, अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज आऊंगा तो कभी भी रुपीज पर यूनिट में डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। जब मैं डिपार्टमेंट वाइज आऊंगा तो टोटल ओवरहेड डिवाइड होंगे 6 बेसिस पर, तो वहां से निकलेगा जो आंसर ओ आर पर लेबर आवर, ओ आर पर यूनिट भी हो सकता है, ओ आर पर मशीन आवर भी हो सकता है। और अगर ओ आर डायरेक्ट लेबर आवर हुआ तो सर उसको पर यूनिट में लेके जाने के लिए कन्वर्ट करूंगा। लेकिन अगर एलोकेशन हो रही है डायरेक्टली टू दी प्रोडक्ट, बात सुन लें, अगर एलोकेशन हो रही है डायरेक्टली टू दी प्रोडक्ट सर, फिर डायरेक्ट आंसर पर यूनिट में निकल जाएगा, फिर हमें डायरेक्ट लेबर आवर और डायरेक्ट मशीन आवर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, क्लियर। अब पास पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह कल, एस एन एंटरप्राइज वाला। कौन सा वाला? एस एन एंटरप्राइज वाला। ठीक है, एस एन एंटरप्राइज वाले की ये वाली। अच्छा ठीक है, ये एस एन एंटरप्राइज वाला करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह कल मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ मिलके। ठीक है, और इसकी बेसिस जरा अच्छे से देखिएगा, और इसमें ना आपको एक मसला देगा, ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और हाँ ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में एक वैरायटी उसने लगाई हुई है, और यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। ठीक है, जरा इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं तो कल फिर मैं खुद कराऊंगा ये। अल्लाह हाफिज़।